नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द जॉइन ऑफ ए -5, -3 एंड बी 4, 6 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट डी एंड वाई एक्सिस एट सी। समझ में आ रहा है? आपने क्या करा, ए और बी को मिलाया है, जो एक्स एक्सिस को डी पर वाई एक्सिस को सी पर मिलता है। एम एंड बी एन आर द परपेंडिकुलर्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए एम डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ओ इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है आपके पास, देखिए किस तरह से है। फर्स्ट जो पॉइंट है ए -5, -3 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये रहा -5, -3। सेकंड जो पॉइंट है 4, 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 4, 6 यहाँ पर बना लेते हैं 4, 6। इसको नाम दे देते हैं बी। इन दोनों को मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है, दोनों को मैंने मिला दिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को डी पर, एक्स एक्सिस को डी पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को सी पर कट कर रहा है। समझ में आ गया? तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बोलिए पॉइंट ऑन एन एक्स एक्सिस कितना होगा, कितना होगा, x, 0 होगा। समझ में आ गया? और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कितना होगा पॉइंट, 0, y होगा। दिख रहा है? देखिए अब आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या देखा कि एम एंड बी एन आर द परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस। ए से मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर डाल दिया ए एम, और दूसरा है बी एन, बी से मैंने परपेंडिकुलर डाला ये बी एन, ठीक है। तो यहां पर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए एम डी, ए एम डी पहला ट्राइंगल आपके पास ये हो गया। सेकंड ट्राइंगल है डी सी ओ, डी डी एरा सी एरा और ओ, वो आपके पास क्या है, सेंटर है। क्या है वो, सेंटर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो आपका सेंटर हो गया, ये आपका ओ है, इसको हमने सेंट, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए एम डी फाइंड करना है और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ सी डी फाइंड करना है, दिख रहा है। अब देखते हैं यहां पर क्या देखा हमने। सबसे पहले हम क्या कर लें, ए बी की इक्वेशन निकाल लें, क्या कर लें, ए बी की इक्वेशन निकाल लें। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, दो पॉइंट आपको यहां पर दिए हुए हैं, तो हम क्या लगाएंगे, टू पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। टू पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y-y1=y2-y1/x2-x1 और x-x1। ये मेरे पास क्या है, टू पॉइंट फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? अब टू पॉइंट फॉर्मूला मैंने क्या करा, y-y1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, -3, तो +3=y2 कितना दे रखा है, 6, -y1+3/x2, 4 और -x1+5 और x-x1, ये लीजिए, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया, ऐसा करने के बाद आपके पास क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके पास कितना हो गया, y+3=9/9, ये कैंसिल हो गए और x+5, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया आपके पास, x-y, ये उधर जाएगा तो कितना हो गया, +2=0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई लाइन की, क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये किसकी इक्वेशन है, इस वाली लाइन की इक्वेशन है, हमने इसको नाम दे दिया x-y+2=0। समझ में आ गया? अब जो सी पॉइंट है वो किस पर है, इस लाइन पर है, सी इज ऑन दिस। देन आप क्या कर देंगे, सी जो है, सी के कोऑर्डिनेट 0, y मैंने यहां पर पुट कर दिया, क्या कर दिया, 0, y मैंने जब यहां पर पुट किया तो x की वैल्यू हो गई 0, क्या हो गई, x की वैल्यू 0 और y की जगह y पुट कर दिया, देन y=2 कितना आ गया, बोलिए 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y=2। तो सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना हो गया, 0, 2 हो गया, कितना हो गया, 0, 2 हो गया। अब मुझे निकालना है डी, तो डी के लिए मैं क्या करूंगा, इस x-y+2=0 में किसको डाल दूंगा, डी को डाल दूंगा। डी क्या है, x, 0 है, तो वाई की वैल्यू 0 पुट करिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, x=2 कितना आ गया, -2 आ गया, तो पॉइंट कितना हो गया, -2, 0। तो ये जो पॉइंट है वो कितना आ गया, -2, 0 आ गया। आ रहा समझ में? अब देखिए ये जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है, ये जो है कितना है, 2 है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो मुझे निकालनी है, ये तो 2 और 2 आ गया मेरे पास, कितना आ गया आपके पास, पहला था 2, दूसरा आ गया 2। अब आपके पास क्या करना है, आपको इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है, सेकंड ट्राइंगल का,
ठीक है। तो पहले ट्राइंगल के लिए आप क्या करेंगे कि ये आपके पास टू है, ये आपको दे रखा है माइनस टू कोमा जीरो, कितना दे रखा है माइनस टू कोमा जीरो दे रखा है। अब आगे देखिए, जो पहला ट्राइंगल मेरे पास ये ट्राइंगल बन रहा है ओ सी, कितना ओ सी डी, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ सी डी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मेरे पास इस ट्राइंगल के लिए कितना हो गया हाफ ऑफ बेस, बेस कितना हो गया टू हो गया, और हाइट भी कितनी हो गई टू हो गई, तो मेरे पास ट्राइंगल का एरिया कितना निकला टू स्क्वायर यूनिट निकला। क्या निकला ट्राइंगल का एरिया निकला टू स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक नोट कीजिए, अब हम निकालेंगे सेकेंड ट्राइंगल का एरिया, पहले यहाँ तक नोट कीजिए आप, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकेंड ट्राइंगल के अंदर, सेकेंड ट्राइंगल जो है आपका वो कितना है ए एम डी है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए एम डी, समझ में आ रहा है। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए एम डी निकालना है मुझे, तो ये मेरे पास कितनी हो गई माइनस ऑफ थ्री, माइनस तो क्या दिखा रहा है डायरेक्शन को दिखा रहा है कि ये डाउनवर्ड है, बट जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो गई थ्री हो गई, कितनी हो गई थ्री हो गई। मैं यहाँ से एम पॉइंट निकाल सकता हूँ, तो एम जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री कोमा जीरो, नहीं ये हो जाएगा मेरे पास ये कितना माइनस टू माइनस ऑफ फाइव कोमा जीरो, क्यों क्योंकि ये माइनस फाइव है, कितना है माइनस फाइव है, तो माइनस फाइव में से यदि टू कैंसिल कर दें देन आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास थ्री, तो मेरे पास बेस कितना आ गया थ्री आ गया और हाइट भी कितनी आ गई थ्री आ गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए एम डी कितना हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया नाइन बाई टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा नाइन बाई टू स्क्वायर यूनिट, समझ में आ गया। तो अब आपके पास पहला जो एरिया आ रहा है नाइन बाई टू आ रहा है, और दूसरा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है टू स्क्वायर यूनिट आ रहा है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द एरिया, बट मेरे पास जो है ऑप्शन में रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है, तो मैं क्या कर दूँ इसका रेशियो निकाल दूँ, तो रेशियो आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए एम डी अपॉन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ सी डी, देन आपके पास कितना हो जाएगा नाइन बाई टू अपॉन टू, देन रेशियो हो गया नाइन रेशियो फोर, कितना हो गया नाइन रेशियो फोर, ठीक है। अब देखिए जो ऑप्शन है नाइन रेशियो फोर ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड के अंदर आ रहा है, देन सेकंड इज करेक्ट आंसर, नोट कीजिए इसे।